मैनेजर साहब, इस गेस्ट का खास ख्याल रखना। ये हमारे होटल की इज्जत का सवाल है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, हमारे मंत्री जी हैं। यस सर। रूम सर्विस सर। अंधे हो? दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं दिखता? सॉरी सर। अभी भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या करे। मैं बताऊं तुम क्या करो? हाँ बताओ। 20 साल पहले मुझसे किया हुआ अपना शादी का वादा पूरा करो। 20 साल पहले किए हुए वादे की याद दिलाने तो बॉम्बे से बैंगलोर आई है। 20 साल पहले मैं बंबई में एक मामूली सा बिल्डर था, आज मैं बैंगलोर में एक नामचीन मिनिस्टर बन गया हूँ। और मैं वादा भी औकात देख के निभाता हूँ। मिनिस्टर साहब, मुझे अपनी हैसियत में शामिल कर लो, वरना मैं तुम्हें अपनी औकात तक खींच लाऊंगी। क्या मतलब? मैं बैंगलोर मिनिस्टर की बीवी बनने का ख्वाब लेकर आई हूँ। ओहो, वरना उसे मिनिस्टर नहीं रहने दूंगी। मिनिस्टर, मेरे पास तुम्हारी काली करतूतों का इतना लंबा चौड़ा बही खाता है कि अगर वो मैंने पब्लिक के सामने खोल दिया तो लोग तुम्हें शहर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देंगे। ओह, नाराज हो गए जाने वाला, नाराज हो गए। वैसे ये शादी का आइडिया बुरा नहीं है, मंत्री भी बना रहूंगा और तुझसे शादी कर कर जवान भी रहूंगा। इलेक्शन के होते ही शादी करते हैं, वादा रहा। मैं अभी जाके शादी की तैयारियां करता हूँ। ठीक से बंदोबस्त करना, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। और बंदोबस्त कुछ ऐसा होगा कि फेरे लगने से पहले ही तेरी टोली चार कंधों पर उठ जाएगी। Thank you.
क्या नाम है इसका? सर रजिस्टर में तो इन्होंने अपना नाम मिस बिंदु वर्मा लिखवाया है। क्या आप जानते हैं इन्हें? नहीं सर, सर ये होटल में पहली बार आई थी, मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। इनसे मिलने कोई गेस्ट आए थे यहाँ? नहीं सर, कोई नहीं। मतलब वारदात से पहले ये बिल्कुल अकेली थी, राइट? बिल्कुल अकेली। इस सिगरेट को आते हुए देखा यहाँ? सर सिगरेट का टुकड़ा? ये नहीं कह सकता सर, ये पीती होंगी। लाश के होंठों पर कौन से लिपस्टिक के निशान है? लाल रंग की। इस पर तो कुछ नहीं है। सर हो सकता है कि लिपस्टिक लगाने से पहले सिगरेट पी हो? हो सकता है, जैसे कि ये दो ग्लास, एक पर लिपस्टिक के निशान और एक पर लिपस्टिक के निशान नहीं, मतलब एक सिप शराब उसने लिपस्टिक लगाकर पी और दूसरा पहुंच कर पिया। जिस तरह एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, एक निवाला एक हाथ से, एक निवाला दूसरे हाथ से। सर जब मैंने जानता ही नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ? कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कह तो बहुत कुछ सकते हो लेकिन कहना नहीं चाहते। द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू आवर ऑनरेबल गेस्ट। लगता है कि इस गेस्ट का नाम लेने से आप घबरा रहे हैं। नो प्रॉब्लम, रात भर जब इंट्रोगेशन होगा पूछताछ में शायद पुलिस स्टेशन में आपकी घबराहट निकल जाएगी। क्या है कि हम पुलिस वालों को ये जरा भी पसंद नहीं है कि कोई और आदमी से आप घबराएं। देखिए मैं इसके बारे में क्या दिखाइए, मात सिर्फ बताइए कि नाम क्या है। मिस्टर रामास्वामी सर। क्या बच्चू? गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग बेबी। पापा जल्दी आइए ना बाहर, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे जरा टाइम लगेगा बच्चू, दूसरे बाथरूम में जाओ। लेकिन मम्मी ने कहा है ये मेरा बाथरूम है। और मेरा भी। जल्दी आइए ना पापा। आइए ना पापा। अनिल अनिल जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है वरना ठंडा हो जाएगा। सुबह सुबह गाना जरूरी है। अनिल अरे जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। तुम्हें नाश्ता भी लगाना जरूरी था क्या? अभी अभी तो अंदर गया था मैं। अरे तीनों मिले हुए यार, कोई तो काम सही से करने दो मेरे को। अरे मगर बच्चों का तौलिया क्यों इस्तेमाल करते हो? अरे यार इन दोनों को दोपहर के स्कूल में क्यों नहीं डालती? तुम्हें बाथरूम में दो घंटे बैठने का शौक है इसलिए। ठीक है मैं कहीं नाइट ड्यूटी कर लेता हूँ। ओके जैसे कि? जैसे कि मैं चौकीदारी। तेरी तो कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? क्या हुआ उस 2001 वाले केस का? तहकीकात चल रही है। आप जरा ये बताने की जहमत करेंगे कि ये तहकीकात किस दिशा में चल रही है? तहकीकात से पता चला है सर कि कत्ल से पहले मिनिस्टर रामास्वामी उसी जूली नाम की औरत के साथ मौका वारदात पर मौजूद थे। बेकार की बात मत करो अनिल, मेरी अभी मिनिस्टर साहब से बात हुई है, उनका कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। कोई मुजरिम थोड़ी ये कहेगा कि कत्ल से उसका कोई ताल्लुक है, कत्ल से पहले वो वहाँ मौजूद थे सर। कत्ल के बाद तो तुम भी मौका वारदात पर मौजूद थे। मैं वहाँ अपनी ड्यूटी पर था सर। अच्छा तो मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए होंगे अपनी ड्यूटी करने? लेकिन सर वो अनिल खामखा इस केस को सनसनीखेज मत बनाओ, कहीं मुझे मजबूर होकर तुम्हारी ट्रांसफर ऐसी जगह ना करनी पड़े जहां से तुम्हारे बच्चों को रोज 4-5 मील चलना पड़े अपने स्कूल पहुंचने के लिए। लेकिन सर मैं कोई और सुराग ढूंढो और अपनी तहकीकात किसी और दिशा में करो। यू अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। समझ गया, कब समझ गया? मिनिस्टर की चमचागिरी ये करें और हम किसी और दिशा में धंधा घुमाएं। इंस्पेक्टर रजत बेदी सर, 2001 मर्डर केस तुम्हें खास वजह से सौंपना है, सो रिपोर्ट हियर इमीडिएटली। 2001 बड़ा अजीब केस है, कातिल कत्ल करने के बाद लाश पे अपने खून से लिख देता है 2001। और लो मामा चाय पी लो। ला हैं तू ये पानी को चाय कब से बोलने लग गई? जब तक चाय शक्कर का डब्बा खाली रहेगा और दूध की बाटली खाली रहेगी चाय का रंग ऐसे ही आने वाला है मामा। चाय शक्कर का डब्बा खाली कैसे रह गया? अभी परसों ही मैंने तुम्हें 17.5 रुपए पॉकेट मार के लाके दिए थे। अरे मामा ये चिंदी चोरी से कुछ नहीं होने वाला है, हमें अब एक लंबा हाथ मारना पड़ेगा। क्यों ना हम कोई बैंक को लूटे जाके? बैंक को लूटे? अरे बैंक लूटने के लिए भेजा चाहिए, दिमाग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, ये सब कुछ है तुम्हारे पास? दिमाग में आइडिया तो ऐसा है मामा कि जब बैंक को लूटने के बाद तुम नोट गिन रहे होगे ना
तब बोलोगे वाह बिल्लो, वाह बिल्लो, बिल्लो वाह, वाह। बिल्लो आइडिया सुनाओ। गौर से सुनो तुम आइडिया। डर क्यों गई थी? तो तुम भी तो कितना डर गए थे। मुझे लगा वो अपनी बंदूक निकाल रहा है। हाँ तो मुझे लगा वो मेरी बंदूक छीन रहा है। ओ, लेकिन हमें अपनी बंदूक निकालनी कब है? जब मैं तीन तक गिनूंगी तब। ओ, तू जब तीन तक गिनेगी तब। ठीक है। चलो मामा तैयार हो जाओ। एक दो तीन। अपनी ही बिरादरी के हैं। संभाल भर दो इसमें, जल्दी करो, लेट डाउन, चलो भागो, भाग मिल गया, चलो चलो जल्दी। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बिल्लू बंदूक असली है, असली। मामा पब्लिक को पीछे करो, शूट आउट हो सकता है। कोई चलो पीछे। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जा वरना गोली मार दूंगा इसे। तो मार देना, मैं तो इसे जानता भी नहीं। क्या प्रॉब्लम है तेरा? इतने सारे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, क्या समझता तू अपने आप को? बहुत बड़ा खलीफा है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ना जाने लाइसेंस सर। लगता है तुम दोनों ने आपस में ही मुलाकात कर ली। इंस्पेक्टर बेदी रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर बेदी, आज से ये तुम्हारे जूनियर की हैसियत से काम करेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ये आदमी पागल है। इंस्पेक्टर शर्मा। सर इन्हें शायद मेरे तौर तरीके पसंद नहीं है। बहस करने से कोई फायदा नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे के तौर तरीके अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों को एक साथ काम करना। पॉसिबल सर, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ, ये आदमी बिल्कुल सर फिरा है। तुम कौन होते हो इंस्पेक्टर मुझे बताने वाले कि तुम किसके साथ काम करोगे किसके साथ नहीं? ये फैसला यहाँ मैं करता हूँ और मैं फैसला कर चुका हूँ। And that's an order. ले गर्मा गर्म चाय पी ले, शायद इससे कुछ फायदा हो जाए। कुछ नहीं होगा मामा, सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। बॉडी उसी रफ्तार से कांप रही है, पूरे 24 घंटे हो गए, 24 hours, बॉडी हिल रही है उसी स्पीड से मामा। न जाने कहां से आया था वो बदतमीज और कहां चला गया, न जान से मारा न जिंदा छोड़ा मामा। अरे लेकिन जो भी था क्या मरता था? है ये तेरा हिलना अगर बंद हो जाए ना तो उसकी तलाश शुरू कर। तलाश और उसके? मामा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो उसके सामने खड़े रहने तक का रिस्क नहीं ले सकती।
अमिताभ बच्चन की जैसी हाइट है, अक्षय कुमार की फाइट है, गोविंदा जैसी पैंट टाइट है, और आंखों में क्या लाइट है कि कोई भी देखते ही कायल हो जाए। चिकनी बॉडी, ऐसे लगा जैसे कोई धासु हीरो खड़ा हो। अमिताभ की हाइट, अक्षय कुमार की फाइट और गोविंदा जैसी पैंट टाइट,
और आंखों में क्या लाइट कि कोई भी घायल हो जाए। देखा बिल्लू, उसके ख्याल से ही तेरे सारे बदन की कपकपी गायब हो गई। सोच सोच, उसे ढूंढ कर अगर हम हमारा बिजनेस उसके साथ पार्टनरशिप में शुरू कर दें तो इस सारे शहर पे हमारा राज होगा राज। टाइम, चल 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 चल, जल्दी चल। मुझे को लंबू हुआ मछली पकड़ रहा है। पना, शरण, पना, शरण है प्रभु देव, अपनी छत्र छाया में हमें शरण दे दो, हमारी तकदीर सुधार दो गुरु। ए, सीधे सीधे खड़े होकर सीधे सीधे बोलो, क्या बात है? हमारी बात भी कोई बात है, पर सच्ची तुम्हारी भी क्या बात है। देखो बहुत हो गया, ये भजन कीर्तन बंद करो और क्या चाहते हो वो बताओ। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप चाहते हैं तुमसे। हमारे पास हौसला है, तुम्हारे पास हिम्मत है, हमारे पास रास्ते हैं, तुम्हारे पास मंजिल है, हमारे पास निशाना है, तुम्हारे पास गोली है, हम तोप है, तुम बम हो, बम का गोला हो। राज करेंगे राज, सारे शहर पे राज करेंगे हम लोग मिलके। हाथ मिलाओ, हाथ जेब में रखो, अपनी जेब में। पार्टनरशिप चाहते हो तो परसेंटेज बताओ। आप बताओ। 80%, 20%। हम दोनों तुम्हारी बड़ी इज्जत करते हैं, तुम 20% नहीं 30% ले लो। ले लो 80% मेरा, 20% तुम दोनों का। ये क्या कह रहे हो, थोड़ा बढ़ाओ ना, ये क्या बातें कर रहे हो? हमारी फैक्ट्री में हमको मजदूर बना रहे हो, थोड़ा सा तो बढ़ा दो यार। चलो बढ़ाया। कितना? 60% मेरा और 40% तुम दोनों का। थोड़ा 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 सा और बढ़ा दो प्लीज। मैं बोलूं 50-50, सुनने में भी अच्छा लगता है ना, 50 तुम्हारा 50 हम लोगों का। 50 चलो मंजूर है। मंजूर, मिलाओ हाथ। मम्मी मम्मी, पापा से बात कीजिए ना प्लीज। मम्मी क्या हो रहा है? हाँ? नीलम जो कहना है अंदर आके कहो। क्या हो रहा है नीलम? पापा पापा वो पापा क्या बात? दरअसल ये है अनिल कि बच्चों पर एक सीरियल बन रहा है और वो लोग नीलम के स्कूल में बच्चे देखने गए थे। हमारी नीलम को चुना है और कल जवाब देना है। तो मुश्किल क्या है, मना कर दो। पापा प्लीज प्लीज पापा। नो 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 नो, अब तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगी बस। अनिल प्लीज। अरे पापा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस टाइम दीदी क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगी। आई प्रॉमिस यू पापा, प्लीज दीदी को सीरियल में काम करने दीजिए ना पापा प्लीज। जब तुम्हारी दीदी इतनी बड़ी सिफारिश ले आए तो हम मना कैसे कर सकते हैं? क्या बात है पार्टनर? अरे पार्टनर, हमारे वो 50% वाले पार्टनरशिप का मुहूर्त कब हो रहा है? जब चाहे कर लो, प्लान तैयार है। अरे हम तो तैयार है। हाँ, और मैंने एक मस्त जेवर की दुकान भी चुन के रखी है। बिल्लू तू पार्टनर को सारा प्लान समझा दे और यही जाके वो ज्वेलरी शॉप लूट के आ जाएगा, हम लोग यहाँ इंतजार करते हैं। तो फिर इंतजार करते रह जाओगे? ज्वेलरी शॉप अगर लूटने में अकेला जाऊंगा तो वापस क्यों आऊंगा? वहीं से पतली गली पकड़ कर खिसक नहीं जाऊंगा? तुम हमें मुहूर्त वाले दिन ही धोखा दे जाओगे? धोखा तो तुम लोग दे रहे हो, सिर्फ पता बताने का 50% लोगे। ज्वेलरी शॉप अगर लूटनी है तो तीनों साथ चलेंगे। वो क्या है ना पार्टनर, ज्वेलरी शॉप का मामला है थोड़ा नाजुक होता है। क्यों मामा जी? वहाँ भी बैंक के जैसे बाहर सदरी लोग होते हैं ड्यूटी पर, और उनके हाथ में असली बंदूकें होती हैं और असली गोलियां। तुम्हारा क्या है, तुम तो कूद भांग के गोली को धोखा देके भाग सकते हो। और हमारा क्या है कि गोलियों की आवाज सुनते ही हमारे तो प्राण निकल जाते हैं। तो एक काम करो, ज्वेलरी शॉप को लूटने से पहले अपने आप को ट्रेन करो। पर हमें ट्रेनिंग देगा कौन? मैं दूंगा। और आज से नहीं, अभी से। बिल्लू तुम रसोई घर जाओ, चाकू उठाओ और जितनी सब्जियां दिखें उन्हें काट डालो। सब्जियां काट डालूं? ये कौन सी ट्रेनिंग हुई? अरे चाकू उठा के सब्जियां अगर तुम काटोगी तो उससे क्या होगा, तुम्हारी कलाई सॉलिड हो जाएगी और कल फिर जब तुम रिवॉल्वर उठाकर निशाना लगाओगी तो गोली ठीक निशाने पर लगेगी। समझ गई। और मामा तुम
कपड़े धोने की प्रैक्टिस करो। कपड़े धोने की क्यों? क्योंकि कपड़े धोने से डोले बनते हैं डोले। लेकिन डोले क्या है? मामा मसल्स, मसल्स, मस्कल। मस्कल बनाता हूँ। काट तो मैं इसे डालूंगा, पर मोटू तू वहां बैठा हुआ तमाशा देख रहा है? शर्म मानी चाहिए तुझे। शर्म तो मुझे अपनी किस्मत पे आ रही है। सत्यानाश कर दिया तूने मेरी शूटिंग का। शूटिंग? हाँ हाँ शूटिंग। तूने मेरी शूटिंग का कबाड़ा किया। मैं तुझे शूट एटसाइड करवा दूंगा। हे पुलिस को फोन लगाओ और इसे अंदर डलवाओ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही पुलिस वाला हूँ। इंस्पेक्टर रजत बेदी, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर रजत बेदी? मम्मी मम्मी ये तो पापा वाले बेदी अंकल है ना। अंकल अंकल आप बेदी अंकल है ना? हाँ आप मुझे जानते हैं? हाँ पापा आपकी बहुत सारी बातें करते हैं। कौन है आपके पापा बेटा? इंस्पेक्टर अनिल शर्मा। माफ कीजिए भाभी, ऐसी हालत में आपसे मुलाकात हुई। वैसे अनिल ने मुझे कितनी बार डिनर पर बुलाया, पर मैंने भी कहा कि जब तक भाभी पर्सनली नहीं बुलाती मैं नहीं आऊंगा। तो कब आऊं भाभी? वो मैं अनिल से बात कर लेती हूँ, वही आपको बताएंगे। ओके भाभी, मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू। ये फाइल मेरे टेबल पर रखना। यार अनिल, रात का क्या प्रोग्राम है? क्यों? यूं ही जाना चाहता था कि तू घर पे है या नहीं। किस लिए? तू बुलाए तो मैं आज रात तेरे घर पे डिनर करने के लिए आ जाऊं। मेरे घर में तुझे डिनर? हाँ। वो देख रहा है वो आदमी, पहचाना उसे? नहीं तो? नहीं ना, मैं भी नहीं पहचानता। मैं उसे डिनर पे बुलाऊंगा, मगर तुझे? आज तो तेरे घर पे डिनर खा कर ही जाऊंगा। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकानिया साहब। उड़ उड़ बैठी उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकानिया है। और भी के सब रस ले लिया रे पिंजरे वाली। तुम यहाँ इस वक्त? 8:30 बजे हैं, डिनर का टाइम तो यही होता है ना। डिनर? ओ मुझे लगता है आजकल आपकी भाभी से बातचीत बंद है। अरे बाबा, उन्होंने ही तो मुझे डिनर पर इनवाइट किया है। क्या? रोशनी ने तुम्हें डिनर पे बुलाया? हाँ, आज नीलम की शूटिंग पर उनसे मुलाकात हुई। जिद करने लगी कि आज डिनर हमारे साथ ही करना, हमारे साथ ही करना। भला मां समान भाभी की बात ये देवर कैसे टाल सकता है। एक्सक्यूज मी बेदी अंकल। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ऑफिस के काम से आए होंगे? नहीं नहीं, डिनर करने आया हूँ। डिनर? अनिल ने इतने प्यार से डिनर पर बुलाया कि मैं मना ही नहीं कर पाया। क्या उसने आपको बताया नहीं? शायद भूल गए होंगे। नहीं नहीं भाभी, याददाश्त तो अपने अनिल की बहुत अच्छी है। सोचा होगा घर की बात है या आपको सरप्राइज देना चाहता होगा। सरप्राइज तो मैं हो ही गई। यार इस घर का सिस्टम मेरे समझ में नहीं आता। इतना डिटेल में समझाया था मैंने कि इंस्पेक्टर रजत बेदी किस किस्म का आदमी, तुमने भी सुना था ना। फिर भी बिना मुझसे पूछे उसे खाने पे बुला लिया। अमेजिंग। भला ये भी कोई बात हुई? कितना भला बुरा कहा उस इंस्पेक्टर रजत बेदी के बारे में, तुमने भी सुना ना। फिर उसे डिनर पर इनवाइट कर लिया। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, कसम से मजा आ गया। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। बुरा मत मानना, पर तुम्हें नहीं लगता कि इस आदमी को डिनर पे बुलाने से पहले तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था? अरे बाबा मैंने कहाँ बुलाया, बुलाया तो तुमने था। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इस आदमी को बुलाऊं? अरे मगर वो तो कह कर गया कि तुमने बड़े प्यार से उसे दावत पर बुलाया। मुझसे कह रहा था कि वो तुमने बुलाया, मतलब बिना दावत के खा के चला गया। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गावो। चलिए पीछे हटिए। एक मिनट, आप आगे नहीं जा सकते। आगे नहीं जा सकते? कम से कम ये बताइए हम कार के पास क्यों नहीं जा सकते। वो जो कार खड़ी है उसमें टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। कौन सी कार? वो हरी वाली। वो, वो,
वो तो मेरी कार है। हाँ उसी में ही। यार इतने अच्छे डिनर के बाद नाइट ड्यूटी बड़ी बेइंसाफी है। किसी के घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह घुसना बदतमीजी और बहुत बड़ी बेशर्मी है। वो खाना खाने के बाद तो ऐसी बेशर्मी करने का दिल तो बार बार करता है। दोबारा अगर कोशिश की तो पूरा खाना बाहर निकाल दूंगा। गुड इवनिंग सर। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया? हाँ सर। कब आ रहे हैं? उसे आने में वक्त लगेगा। बॉम्ब कौन सी गाड़ी में? उस गाड़ी में। कहाँ जा रहा है? बॉम्ब को बेअसर करने। वो तेरा काम नहीं है, बॉम्ब स्क्वाड का काम है। अरे वो काम मुझे भी आता है। कमिश्नर ने कौन से पागल से 2001। यार अनिल इस बॉम्ब का ताल्लुक तो 2001 मर्डर केस से है। तू अपनी जिंदगी से ताल्लुक क्यों तोड़ना चाहता है? Come on, get out. अच्छा ये बता, तुझे कौन से रंग की वायर पसंद है? लाल या सफेद? Come on, get out. इन दोनों तारों में से किसी एक तार को काटूं तो बॉम्ब बेअसर हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से कहीं दूसरी वायर कट गई तो इमीजिएटली धमाका हो जाएगा। यानी कि तेरे को बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं मालूम? यार सब कुछ जानता हूँ, लेकिन रंगों को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। Don't touch the bomb. Come out. यार जब तू कुछ कह ही नहीं रहा है तो मैं लाल वायर ही काट देता हूँ। रजत मत काट मत। यार अनिल, अनिल जल्दी भाग, जल्दी से। सब लोग पीछे भागो। Run. दो हजार एक मर्डर केस में पहले जूली नाम की एक औरत का मर्डर हो चुका है और कार में बम लगाकर कातिल ने अगले खून की कोशिश की है। उस कार के मालिक का जल्द से जल्द पता लगाओ, शायद वो 2001 के राज पर कुछ रोशनी डाल सकता है। 2001, तुम्हारी जिस गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी के नीचे 2001 लिखा हुआ था। तुम्हारा उस नंबर से कोई ताल्लुक है? भाई पेशे से मैं वकील हूं, अगर ताल्लुक होता तो बिना आपके पूछे ही समझ में आ गया होता। मुमकिन है कि वो कातिल दोबारा तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए। मेहरबानी का शुक्रिया, मुझे अपनी हिफाजत करना आता है। और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, पार्टी है, पुलिस वालों को साथ में लेकर जाऊंगा, मजा खराब हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच। नाम सरकारी, धंधा एडवोकेट, सेठ अमीरचंद का पर्सनल एडवोकेट। कल अगर ये हमारी बात मान लेता तो शायद बच जाता। इस इनविटेशन कार्ड के मुताबिक आज 10 बजे इसे सेठ अमीरचंद की नई कंस्ट्रक्शन के इनॉग्रेशन पे जाना था। लगता है इस इनविटेशन पर
हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। भाइयों, सेठ अमीर चंद जैसे अमीर सारे अमीर हो जाए तो अपना ये देश गरीब देशों के गिनती में ना आए। सेठ अमीर चंद बंबई के जसलोक बिल्डर के मालिक, जिन्होंने अपने शहर में गरीबों के लिए कई नई बिल्डिंगें बनवाई और अब यहाँ के गरीब लोगों के लिए कई नई बिल्डिंगें बनवाएंगे ताकि बेघरों को सस्ते दाम में घर मिल जाए। बाण का बच्चा पैसे लेकर जुमले बोलता साला। कृष्णा राव, इसे इसके माँ बाप ने कम और हम पुलिस वालों ने ज्यादा पाला है। हम राव, कृष्णा राव बॉम्बे में आमिर चंद का पार्टनर था, इधर बंगलोर में खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी चालू किया। इस सेठ का जात को हम अच्छी तरह से जानता, ये बोलता हम गरीबों के लिए फ्लैट बनाता। इसको पूछो इसका बिल्डिंग में सबसे सस्ता दाम का फ्लैट कितने का, ए सेठ बोलो। हम बताता है सबसे सस्ता फ्लैट 55 लाख का, बोलता है गरीबों के लिए फ्लैट बनाता है। तेरा बिल्डिंग मेरा शहर में खड़ा नहीं होगा क्योंकि यहाँ का जमीन में बारूद बिछा, ऊपर मौसम गरम नीचे मट्टी गरम, और तेरे जैसा नरम चंद तो मक्खन बन के पिघल जाएगा। अरे वो देखा तेरी गर्मी, पहली बार बंबई से बेंगलुरु भाग के आया, अब की बार सीमेंट के गोनिया गल्ले में डाल के सीधा बेंगलुरु से बांग्लादेश भेज दूंगा, समझा। अगली दिवाली तक तेरी बिल्डिंगों पे मेरी बिल्डिंग नहीं रही ना तो मेरा नाम अमित चंद नहीं। ए साला, तू पटाखा जमा करके दिवाली का इंतजार करना, दशहरे में राव इतना बम फोड़ेगा जिसका आवाज तुझे जिंदगी में आने वाला हर दिवाली को सुनाई देगा। देख अभी भी बोलता चुपचाप मेरा शहर से निकल जा, नहीं तो तेरे लिए यहाँ का हवा गरम मौसम गरम जमीन गरम। वाकई कलयुग आ गया है, आजकल दशहरे में एक रावण दूसरे रावण को जला रहा है। अमीर चंद, मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन उस राव ने सबके सामने तेरा जो कचरा किया ना, उस इंस्पेक्टर अनिल और रजत आपसे मिलने आए हैं। अरे होले, ये चिल्लरों से भी महिष मिलू क्या? हाय, ये काजल क्या कर रही नीचे, जा उसको बोल। जो देखो अमीर चंद, अमीर चंद। क्या तकलीफ है आप लोगों को, इस तरह चीख चिल्ला क्यों रहे? माफ करना, हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं सेठ अमीर चंद से बात करने के लिए, उन्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि वो बाहर आए। उनके पास अभी वक्त नहीं है, आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए, मैं उनकी एडवोकेट हूं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। अनिल एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं। अनिल यार प्लीज एक मिनट। देखिए मैडम, हम यहां अंताक्षरी खेलने नहीं आए हैं, एक खून की तहकीकात के सिलसिले में आए हैं। खून? किसका खून? एडवोकेट बीके सरकारी का। क्या सरकारी साहब का खून हो गया? अमीर चंद जी, अमीर चंद जी, क्या बात है? सरकारी साहब का कत्ल हो गया है, ये तो इंस्पेक्टर यहाँ। तो यहाँ पे ये लोग टाइम पास कर रहे हैं क्या? कल सरकारी की गाड़ी में बम डाल दिए थे, आज उसका कत्ल हो गया, कैसी ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग, मक्खियाँ मार रहे हैं क्या? तमीज से बात कीजिए अमीर चंद। अरे ज्यादा काई की तमीज लगाया ना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ ना कुछ बोलना चाहता हूँ, वैसे भी मैं इंस्पेक्टरों के बुने लगता समझे, जो भी बात करना है कमिश्नर से कर लूंगा। अनिल चल गया। क्या दिमाग फिर गया तेरा, क्या बकता है, सरकारी का मर्डर मैं क्यों करवाने लगा? मेरे क्या मालूम होगा तुम्हारा वो क्या बोलते पॉलिटिकल गेम। एक के बाद एक मेरे 100 बदमियों को मरवाना, तुम पहले जूली को। अरे जूली का मर्डर मैंने नहीं किया,
तुम किए गारंटी तुम किए। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला। तेरी औकाती क्या है कुछ बोलने की? तेरे जैसे 56 सेठ सुबह शाम मेरी लाल करते फिरते हैं। ओहो मिनिस्टर, 56 सेठ तेरी लाल करते ना, वो दूसरे होंगे। ये अमीर चंद है, सेठ अमीर चंद, जिसकी वजह से तू आज मिनिस्टर बना, समझा? वरना तेरी बस में क्या था रे? अच्छा दिखाऊं मेरे बस में क्या है? अभी नजारा दिखाता हूँ कि मेरे बस में क्या है। बस की बात करता है अमीर चंद कहीं का। हेलो सेठ, आमिर चंद के नाम पे जितने भी प्लॉट है ना, सबको नोटिस जारी करो। अरे क्या भाई, क्या मिनिस्टर, गुस्सा थूको। ये 20 साल की दोस्ती को मट्टी में मिला दिया ना। नहीं नहीं, तेरी बकवास बंद करनी है, आज तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। अरे 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 भाई, जब 20 साल दोस्ती निभाया उस वक्त नहीं बोले ना, बहुत दोस्ती निभा रहा है, ज्यादा निभा रहा है। अब देखो वो सरकारी मर गया ना, तो थोड़ा दिमाग हिल गया, चमड़े की जबान है, कभी इधर फिसल जाती कभी उधर फिसल जाती। अच्छा वो सोने चांदी की अपनी दुकान है ना, उसकी ओपनिंग तुम इस करना ना। अरे भाई आज तक जितने दुकान खोला उसकी ओपनिंग कौन करा है? तू इस करा ना मियाँ। अरे हाथ मिला, अरे गुस्सा छोड़ मियाँ। जबान की भाषा नहीं समझते सारे, क्या कर लेते हम? बहुत कुछ कर लेता अगर तू बीच में टांग नहीं अड़ाया होता तो। एक बात कान खोल कर सुन ले, ऐसा जब मैं बात करूं तो तू बीच में दखल मत देना, समझा ना? यार अमीर चंद का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे? दरवाजा अंग्रेजी है क्या घर पे? क्या शराब? नहीं तो क्या लड़की? यार जब तू भड़का हुआ होता है ना तो काफी अच्छी बातें कर लेता है। तू एक और ठिकाना है क्या? तेरे को ठिकाने का तो तू भी गिलास आगे कर, मगर ये लास्ट अपनी आदत नहीं है, बच्चे लोग जबरदस्ती नहीं करने, समझा ना? लास्ट देख, तेरा पहला बैग मैंने बनाया था, बस बाकी बोतल तूने लास्ट लास्ट करके खत्म कर दी। बच्चे जाग जाएंगे, इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? अगर जोर से नहीं चिल्लाऊंगा तो दरवाजा कौन खोलेगा? हाँ घर की घंटी नहीं बजा सकता है क्या? घर की घंटी बजाऊंगा तो बच्चे जाग जाएंगे। बात करते हैं रोश। शाम हो गई। भाभी कसम से मैंने इसे इतना पीने के लिए नहीं कहा था। ये खुद ही ये क्या बीच में करके बोलते हैं? ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर है क्या? हा? तुम भी हद करते हो अनिल, एक तो वो बेचारा तुम्हें इस हालत में घर छोड़ने आया और तुम उस पर ही शुरू हो गए। अच्छा भाभी मैं चलता। रजत मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगी। हा? आज तुम यहीं रुक जाओ। भाभी मैंने ज्यादा थोड़ी पी है। I'm absolutely all right. Good night. Good night. आप कहाँ जा रहे हो? अंदर चलिए। गया कचरे का डब्बा। कह रहा था मैंने ज्यादा नहीं पिए। I can take care of myself. ज्यादा तो तुमने पी रखी है। इतना भी भूल गए कि आज रात को हमें बाहर जाना था? बच्चे 12 बजे तक तुम्हारा इंतजार कर करके सो गए और अब तुम रात सोफे पे काटना और दरवाजा भी बंद कर लेना। Oh, shit. ये सब क्या हो रहा है? उस्ताद जी कहकर गए हैं कि मैं इस कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर चमका कर उंगलियों पर नचाने की ऐसी प्रैक्टिस करूं जैसे सुदर्शन चक्र होता है ना वैसे। अरे मुझे भी कह गया है कि गुसल खाने के सारे कपड़े धोबी पचाड़ मार मार के मार मार के मार मार के मारते रहो और जब मैं थक जाऊं तो उनको निचोड़ू और सुखाऊ। अच्छा हाय, कितना अच्छा सिखाते हैं उस्ताद जी। तेरे उस्ताद जी की उस्तादी पूरी समझ में आ रही है मुझको। वो हमको क्या सिखा पढ़ा रहा है ना, सब पल्ले पड़ रहा है अभी मेरे। अरे मैं तो जानबूझ के हौले हौले सीख रही हूँ ताकि वो मुझे उम्र भर सिखाता रहे। कुछ सिखाने के लिए आए, कुछ सिखा कर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए बड़ा आए जाए हो रहा है। लोग सही कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, तू तो मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो गई है। अरे यहाँ मेरे उंगलियों में खड्डे पड़ गए कपड़े धो धो के। वो ट्रेनिंग के नाम पे हमसे मुफ्त में सारे घर का काम करवा रहा है। कपड़े धो, बर्तन घसो, झाड़ू पोता मारो, क्या बारात में आए क्या? नहीं वो तो दूल्हे राजा है। तू शहनाई बजा रही है, वो मेरी पुंगी बजा रहा है और तू शहनाई बजा रही है। पा...
पागल, आज से ट्रेनिंग बंद। खट्टे में जाए तुम्हारा बर्तन, ये तुम्हारा टोप, ये प्लान तो फेल हो गया। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बिल्कुल अमा, बिल्लू, आज से तुम्हारी एडवांस ट्रेनिंग शुरू, तैयार हो जाओ। एडवांस ट्रेनिंग? फायर करो। फायर करो? हाँ। मर गए, लग गए मेरे को। क्या हुआ मामा जी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली ने मेरे चेहरे पर दाग लगा दिया और मेरे पूरे चेहरे को बिगाड़ दिया है। अरे तुम इसे दाग कहती हो? ये तो तिल है, तिल जिसने तुम्हारे रूप को और भी कातिल बना दिया। तिल? चेहरे पर दाग लगा के तिल कहता है? I'm not afraid to die.
तुम चाहो तो मुझे अपना लो। तुमको अपनाने का दिल तो राव का बहुत करता, लेकिन तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं, इसलिए हम एक कदम आगे तो दो कदम पीछे जाता, क्योंकि तुम पर एतबार करना इम्पॉसिबल। आओ, तुम्हारे लिए मुझ पर एतबार करना पॉसिबल कर दो। अमीर चंद का कफन पे आज आखिरी कील ठोक दिया, खुश कर दिया काजल, खुश कर दिया। आज हम बहुत खुश। कहीं ऐसा तो नहीं तुम जहां जाती है कामयाबी तुम्हारा पीछे पीछे आती है? मेरा और अमीर चंद का जंग की जीत का फैसला तो आज हो गया। जीत का ट्रॉफी की तरह आज तुम मेरा हाथ में आई हो। बोलो, राव से क्या मांगता? राव कंस्ट्रक्शन कंपनी में दाखिला। दिया दिया दिया, दाखला दिया तुम हमको, दाखला दिया हम दिया। राव अमीर चंद का तरह गरीब नहीं, अपनी काजल को राव की तरफ से पहला तोहफा। राव कंस्ट्रक्शन का सबसे बेस्ट बिल्डिंग में पूरा का पूरा मंजिल तुम्हारा। पूरी की पूरी मंजिल मेरी? यह तो शुरुआत है, नीचा से लेकर ऊपर तक कोई भी मंजिल पे उंगली रखो वो तुम्हारा। पांचवी मंजिल। पांचवा? पांच मेरा लकी नंबर है। अयो ये नंबर। तुम्हारा और मेरे बीच में जो बकरा है उसका खबर अमीर चंद को नहीं होना चाहिए। मेरा तो कुछ नहीं, पर तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। भला मैं तुम्हारी काजल को नुकसान पहुंचने दूंगी? राव, राव सुनो ना, मेरा मन नहीं मानता। बिल्डिंग देखने को बहुत दिल जा रहा है, खास तौर पे अपनी पांचवी मंजिल। इस वक्त? हाँ अभी, चलती हूँ। बीस साल तक अमीर चंद का गोद में बसे रहने के बाद आज अचानक मेरा साथ प्यार का झूला झूलने लगी। बेवफा औरत की जात और नीयत से निपटना राव अच्छी तरह जानता है जी। हेलो सेठी, मैं शेट्टी। हाँ बोल शेट्टी। आपकी काजल इस वक्त राव की बाहों में है। आराम जारी, राव की आंखों का काजल बन गई उन्हें। बुरी खबर सुनको अमीर चंद कितना बुरा हो सकता, अब दोनों देखेंगे। कहाँ है उन्हें काजल, कहाँ है? मुझे माफ करना, प्लीज
माफ कर दो। हाँ तो मिस्टर राव, अब आप अपनी सफाई में क्या बोलना चाहोगे? बोलेगा तो तब ना जब बात हमारा समझ में आएगा कि ये अम्मा इधर आया कब से। बात आपके जितने जल्दी समझ में आए आपके सेहत के लिए अच्छा है। बॉडी आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली है तो आप भी शक के दायरे में आई गए ना। ऐसा कैसा होएगा इंस्पेक्टर? इसको भी मार डाला। हमको इसको भी मार डाला। ठीक है ठीक है, तेरे को यही खेल खेलने का है तो अब मेरे को भी मंजूर है। ढक्कन चन, इतना बरस हो गया लेकिन तेरे को अकल अब भी नहीं आ। कातिल कत्ल करने से पहले लाश को किधर ठिकाने लगाने का पहले से तय कर लेता। लाश को घर में लाके सोफे पे नहीं सजाता। ये सब तेरा चाल है, अपना रखेल को मरवा के इधर हमारा जमीन पे डाल दिया ताकि हम बच जाएगा है? लाश को यहाँ देखकर ऐसा लगता है कि कत्ल यही हुआ है। वैसे भी लाश और जेब के बटुए में काफी फर्क होता है। लाश यहाँ लाई गई होती तो किसी को तो दिखाई देती। बोला बोला, तेरा अंदर से अमीर चंद का पैसा बोला। तेरा को 2 करोड़ में खरीद के ये अमीर चंद अपने आप को सिकंदर समझता। लेकिन हम उल्टा सीधा बोलना मत वरना मैं तेरी वरना? ए, वरना क्या करेगा तुम साला, क्या करेगा? बोला चलो चलो गोली आराम से। राव एक चांस देना हमें, बहुत टाइम से गोली नहीं चलाई। खुल गया तेरा मेरा खाता, खुल गया भाई। खाता में हम तेरा थप्पड़ नोट किया। राव तुम्हारा कर्जदार दूंगा, हम ब्याज के साथ दूंगा, बाइज्जत दूंगा। आओ तेरा पूरा कर्ज अदा करेगा। क्या हुआ? अरे होले, अभी मेरे सामने क्या हुआ, तेरे सामने क्या हुआ, सारी पब्लिक के सामने क्या हुआ? राव का और इंस्पेक्टर का जो झगड़ा हुआ ना, अब सुन, इंस्पेक्टर अगर मारा गया तो इल्जाम किस पे आएगा? समझ गया। इंस्पेक्टर मारा गया, राव गया बारह के भाव में। अनिल 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 क्या हुआ? बच्चों को लेकर बाहर जाओ जल्दी। लेकिन क्यों, क्या बात है? जो कह रहा वो करो, यहाँ पर किसी ने टाइम बम लगाया है। लेकिन तुम तो बाहर हो। बॉडी के नीचे बम लगा हुआ है, मैं जरा सा भी हिला तो फट जाएगा। प्लीज गो रोशनी, जल्दी करो राम जल्दी। कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं। अनिल मैं बाहर निकल रही हूँ। हेलो हेलो रजत, तुम जल्दी से घर आ जाओ, अनिल की जान खतरे में है। क्या, किसी ने बॉम्ब प्लान कर दिया? घबराओ मत भाभी, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ और बॉम्ब स्क्वाड को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। जल्दी हाँ बेटा। हाँ आजा आजा। राम बच्चों को यही रखना, यहाँ से हिलने नहीं देना, यही रहना। हाँ जी मैम साहब। बच्चे कहाँ है रोशनी? उनको बाहर कर दिया है। यहाँ क्या करिए, तुम भी बाहर जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती अनिल, प्लीज गो रोशनी। अनिल अनिल मैंने बॉम्ब स्क्वाड को फोन कर दिया, वो आता ही होंगे। रजत इतना टाइम नहीं है, बॉम्ब टाइमर भी लगा हुआ है, तो रोशनी को लेकर अभी बाहर निकल। भाभी प्लीज यहाँ से चलिए। मैं बाहर नहीं जाऊंगी रजत, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। भाभी आपको बच्चों की कसम, आप जिद मत कीजिए, प्लीज यहाँ से बाहर चलिए। भाभी प्लीज। रजत रजत तेरा दिमाग खराब हो गया है, जल्द उसका क्यों मरना चाह रहा है? कभी तो बात सुन लिया कर। ज्यादा होशियारी मत कर, याद है पिछली बार का नतीजा? यहां से भागने का रास्ता भी नहीं है, मेरे साथ तू भी मर जाएगा। गो यार, गेट आउट में प्लीज, गो मैन, गेट आउट यार। ये तो टाइम टाइम की बात है अनिल, देखते हैं इस बार का टाइम बॉम्ब क्या कहता है। वैसे बॉम्ब है कहां? वहां पीछे, पॉटी के पीछे।
अच्छा अनिल, बता तुझे कौन सा रंग की वायर पसंद है, लाल या काली? चल अपनी ही पसंद की वायर काट देता हूं। क्या रणधीर, गलती से सही वायर कट गई। ओ शिट! मैंने कहा गलती से सही वायर कट गई। ब्लैडी फिर कभी बाथरूम में इतना टाइम लगाओगे? मैं बाथरूम ही नहीं जाऊंगा। थैंक यू राव, मैंने तुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिर्फ एक चांस दे दे, और वो चांस तूने मुझे दे दिया। मेरे दोस्त की जान लेने की कोशिश की तूने, वो तो बच गया, पर अब तुझे कौन बचाएगा? शेर का गुफा में आके शेर को पिन नहीं मारने का इंस्पेक्टर, ऐसा बुजुर्ग लोग बोला। तो मेरा हाथों से मरने को तूला है तो हम तेरा ये विश भी पूरा कर देगा, आई प्रॉमिस। चल उतरो। कौन है तुम? पुलिस।
अनिल, ये शीशा कैसे टूट गया? हाँ, चोट लग गई है तुम्हें? काम का प्रेशर इतना बढ़ गया कि अपना ही दरवाजा नजर नहीं आया। कांच लग गया। बैठो, देखो, इतना मनहूस दिन है आज। सुबह से गड़बड़ी चल रहा है। अनिल, आज वो कातिल मेरे हाथ में आते आते ही, अरे ये क्या हुआ? किसकी हरकत है ये? मुझे जरा बता दो। अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अपने ही दरवाजे में घुस गया। अपनी तलवार को जरा अंदर रख। भाभी को एंटीसेप्टिक है? देखती हूँ रजत। थोड़ी सी ब्रांडी या विस्की भी चलेगी? ए ले। अरे यार, ये जख्म की तहकीकात करना बंद कर यार। खैर जरा देख तो लेने दे, कोई कांच का टुकड़ा तो नहीं रह गया अंदर? नहीं है रजत। ये विस्की की पूरी बोतल हमारे घर में? आपके जन्मदिन के लिए लाई थी। मेरे लिए? नहीं, गेस्ट के लिए। थैंक्स, हाउ स्वीट, थैंक्स। लेके आती हूँ। ये ले, एक मिनट पकड़। ओ, ये क्या कर रहा है? तू बाहर से लगा, मैं अंदर। ए, बच्चों की तरह शीशी क्या कर रहा है? ये कोई जख्म है? खराश है, खराश। तेरी उम्र से ज्यादा मेरे बॉडी पे जख्मों के निशान है। ये देख, गोली का निशान। ए, गोली का निशान इसे नहीं, इससे कहते हैं, इससे। जख्म की बात करता है तो मेरे से। तेरे को जख्म मैं अपना दिखाऊंगा ना, जो इधर लगे लाए, तेरा जख्म शर्मा जाएगा, समझा ना? लंच के पहला टाका मारने को शुरू किया डॉक्टर ने, लंच के बाद तक टाका ही मार रहा था। थैंक मच। जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। अच्छा, दिखाऊं? ठीक है, तेरे को दिखाता हूं। इसके बाद तो बोला नहीं कि तेरे को दिखाया नहीं मैंने। तेरे को तो दिखाना ही पड़ेगा अभी। तेरे को तो दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा क्या हो रहा है भाभी? वो पूरी बोतल पी ली ना? जख्म काफी गहरे थे भाभी। इसने काफी पुराने जख्मों पर भी विस्की लगा दी भाभी। भाभी? हाँ भाभी। अरे ना भाभी, इसकी भाभी, I'm sorry, इसकी भाभी, भाभी इसकी भाभी। राम मिलाए जोड़ी, एक शराबी तो दूसरा महाशराबी। दोस्ती तेरा मेरा प्यार, उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। हाँ, तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार, उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार, उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। दिन कहे दिन कहूँ रात कहे रात, तोड़ ना सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार, उसका नसीब जिसे मिले ऐसा पे गोली चले तो आगे कर दूं अपना सीना। यार सच्चे दिल से जो यारी करते हैं, छोटी मोटी बातों से वो कब डरते हैं। दिल खुश किया तूने की है ऐसी बात, तोड़ न सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी, हाँ तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार, उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। सारा जमाना, अरे खफा ना होना तू मुझसे, चाहे रूठे सारा जमाना। दुनिया चाहे छूटे लेकिन टूटे ना याराना। छोड़ नहीं जाना मुझे, दिल में ही रहना, अब तो कहा है कभी फिर नहीं कहना। अलग जगले से मिला ले जरा हाथ, तोड़ ना सकेगा कोई तेरा मेरा साथ। तेरी मेरी, हाँ तेरी मेरी, तेरी मेरी, अरे तेरी मेरी,
ओए तेरी मेरी दोस्ती तेरा मेरा प्यार उसका नसीब जिसे मिले ऐसा यार। हाँ यही वो कार है जिससे राव को कत्ल किया गया था और गाड़ी चलाने वाला जख्मी तो जरूर हुआ होगा। बड़ा होशियार भी है, उसने गाड़ी को पानी में डुबो दिया और डुबोकर उसने खून के डब्बे और उंगलियों के निशान दोनों मिटा दिए होंगे। नंबर प्लेट से मालिक का तो सर उस कार का मालिक सेठ अमीरचंद है और कार के कांच पर पाए जाने वाले खून का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। कातिल का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव और गाड़ी अमीरचंद। हमें अमीरचंद के ब्लड ग्रुप का पता लगाना होगा। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट आने में कुछ देर लगेगी। अगर गाड़ी सेठ अमीरचंद चला रहा था तो उसके जिस्म पर जख्मों के ताजा निशान जरूर होंगे। चलो चल कर उसे नंगा करते हैं। मिस्टर अमीरचंद क्या बताएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ नेगेटिव है काई को। अब एक एक करके अपने जिस्म से कपड़े उतारिए। ए जबान संभाल के बात कर, चर्बी बहुत हो गई क्या? जबान से खाल निकालना शुरू करूंगा सारे बदन की चर्बी निकल जाएंगी, समझा? याने तो इस कलयुग में हमारे हाथों अपना चीरहरण करवाएगा। तुम दोनों की अकल तो मैं ठिकाने लगाता हूँ। ए इन दोनों को उठा के बाहर फेंको रे। ये तुम बार बार बंदूकों की एग्जीबिशन पर लगाते हो। पिस्तौल हमारे पास भी है क्योंकि ये सरकारी है। इसका ट्रिगर जरा ढीला है। खून की तहकीकात के वक्त अगर ये चल भी गई तो कोई परवाह नहीं, पुलिस वाले को इतनी तो छूट है ही। कौन बोल रहा है तहकीकात न को करो? हाँ अरे करो, तहकीकात करो, बार बार करो, लेकिन ये कपड़े उतारने का मतलब क्या? हाँ क्योंकि तुम्हारे एक गुनाह का घाव तुम्हारे जिस्म पर है। कपड़े उतारो अमीरचंद। ठीक है, गुनाह का सुराग देखते हैं तुम्हें। तुम लोग सब बाहर जाओ। कपड़े तो एक बार उतार को दोबारा पहने जा सकते हैं, लेकिन हरामजादो तुम दोनों की चमड़ी कभी वापस नहीं आएंगी। सारी जिंदगी चमड़ी वापस लाने में लगा देंगे तुम लोग। Yeah.
अमीरचंद, अमीरचंद, सेठ अमीरचंद यहाँ है। देख रहे हैं कमिश्नर साहब, देख रहे हैं अपने अफसरों की हरकत। आज आप अपनी आंखों से देख लिए ना, कैसे गुंडों के वैसे घर में घुस को दादागिरी कर रहे हैं। और तूने, तूने जो हरकत की वो, सर आप नहीं जानते इसने मेरे घर पर जानलेवा हमला करवाया, मेरे बच्चे और बीवी की जान भी जा सकती थी। अरे रे रे, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, दादागिरी करे सो अलग, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे देख को कहानी बदल दी ना। अरे मैं आराम से घर पे बैठा हूँ, हमला किए कहते हमला। झूठ ही आदमी बोल रहा है, आप चलकर मेरे घर को देखिए सर, उसकी जो हालत बना दी है इन्होंने। पिछले दो घंटों से सेठ अमीरचंद मेरे साथ है, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि हमला इन्होंने करवाया था? देखो तुम दोनों अपनी बेहुदा हरकतों से बाज आ जाओ। पिछली बार यहां आकर तुमने जो बदतमीजी की थी उसका भी पता चल चुका है मुझे। सर बदतमीजी किस बात की, हम तो केस की तहकीकात कर रहे थे। जिस कार से राव का कत्ल हुआ वो कार अमीरचंद की है सर। और उस कार की चोरी हो जाने की रिपोर्ट सेठ अमीरचंद राव के कत्ल से चार दिन पहले लिखवा चुके थे, और वो रिपोर्ट आज तक मेरी पर्सनल फाइल में दर्ज है। आज मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग देता हूं अफसर, आइंदा तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई शिकायत आई तो पुलिस की नौकरी से हाथ धो बैठोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो सेठ अमीरचंद से अपनी नाजायज हरकतों की माफी मांगो। मैं कहता हूं माफी मांगो, दैट्स एन ऑर्डर। सॉरी। कमिश्नर साहब बहुत बहुत रात दिन भर कपड़े धो, बर्तन मांजो, पहरेदारी करो, दिल में दिल। तू तो बड़ी खुश नजर आ रही। या आज उस्ताद जी ने आहिस्ते से कान में कह दिया। क्या कहा? बिल्लो तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। ट्रेनिंग पूरी हो गई? या थैंक यू भगवान। अब तू मेरे साथ चल, जाके वो ज्वेलरी शॉप लूटते हैं, बहुत दिनों से मैंने कोई चमकदार चीज नहीं देखी। ठीक है अभी उस्ताद जी आते होंगे तो आप उनसे बात कर लेना ये सब। अरे तू इजाजत लेके सारा मजा खिड़खिड़ा कर दे। देख मैंने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। क्या? हम लोग जाके ज्वेलरी शॉप को लूट। हाँ। ये मेरा आइडिया है, सुन मेरा आइडिया। हाँ, सुन रही हूँ। शाम को जब उस्ताद जी घर आएंगे तो हमारी लूट का 50% उनके चरणों में रख देना, बोलना ये है आपकी गुरु दक्षिणा, और फिर देखो कि उस्ताद जी पे क्या बीतती। क्या बीतेगी? क्या बीतेगी? अरे गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो जाएगी, अपने शागिर्द की कामयाबी देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आएंगे। वो कहेंगे बिल्लू मुझे तुम पे नाज है, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बिल्लू जोर जोर से चिल्लाएगी टाइम बॉम्ब और लोग बाहर भाग जाएंगे। फिर हम दोनों स्टोर का सफाया कर देंगे। वाह मामा वाह। अब देखो जैसा आपने बताया था मैं अंदर जाऊंगी, इस डिब्बे को सबसे छुपा के किसी कोने में रख दूंगी और वहीं खड़ी रहूंगी, और थोड़ी देर के बाद इसकी तरफ इशारा करके चिल्लाऊंगी टाइम बॉम्ब। या नहीं वहाँ वहाँ जाके। ओके ओके ओके। हे भगवान। कभी जरा वो वाला दिखाना मंत्री जी, ये देखिए। ये देखिए। क्या बोला था? अंदर जाना, डब्बे को कहीं पे रख देना। रख दिया। लाख बहुत महंगा है। अरे कैसे बातें कर रहे हैं साहब आप, हमारी तौहीन कर दिए ना। अरे ये शहर में रहकर आपको कोई भी चीज की कीमत देखना पड़ा तो अमीरचंद किस मज की दवा है साहब। योमिया साहब को हमारी तरफ से तोहफा दो, जो पैक करो। हाँ या, 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 या। क्या हुआ? सब ठीक हुआ, आपने जैसा बोला था वैसा मैंने किया और चली आई। चली आई? चले आने को बोला था? टाइम बॉम्ब, टाइम बॉम्ब कौन चिल्लाएगा? मेरा नाना। अभी चिल्ला के आती हूँ। hey! टाइम बॉम्ब का टाइम चला गया। टाइम? अब कुछ और सोचना पड़ेगा। चल
ये उसी सिलसिले में पांचवा कत्ल है। इस 2001 का कोई तो सर पैर होगा। सर, किसी तरह डॉक्टर्स मिनिस्टर साहब को बचा लें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कातिल को जरूर देखा है। I'm sure he must have seen the killer, सर। वरना कातिल का पता लगाना तो दूर, उसका कोई सुराग तक हमारे हाथ में नहीं आया। अनिल, सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब के चारों तरफ इस तरह सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवा दो ताकि कातिल का मिनिस्टर साहब तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए। जैसे क्योंकि जिस तरह सरकारी मर्डर केस में हुआ था, कातिल मिनिस्टर साहब को मारने की दोबारा जरूर कोशिश करेगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे झाड़ पे चढ़ाकर तकेदी करने पर राजी कर लिया। तू भी तो बड़े डिंगे मार रही थी कि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, लेकिन हमारे ट्रेनर ने हमको जेल में जाने की ट्रेनिंग तो दी नहीं। अरे वो तो मुझे पलकों पे बिठाने का प्रोग्राम बना रहा था। कहाँ दिल्ली में मेहंदी लगने वाली थी और कहाँ कलाई में हथकड़ी आने की नौबत आ गई है। बस अब मेरी सजा पूरी हो जाए तो मैं हाथ में दिया, मुंह में भजन और अपने सारे रास्ते मंदिर की तरफ मोड़ लूंगी मामा जी। लेकिन वो तो देखना है कि हम किस उम्र में जेल से बाहर निकलते हैं। अगर उम्र कैद हो गई तो हमें जेल में ही मंदिर बनाना पड़ेगा। जेल में, समझी? सर, हाँ। तो तुम लोग ज्वेलरी शॉप में मौजूद थे जब मिनिस्टर साहब पे हमला हुआ, क्या क्या देखा तुम लोगों ने? जी हम लोग तो ज़ेवरात देख रहे थे सर। हाँ, और किसी न किसी चीज पे तो हर इंसान की नियत भी चल जाती है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब गोलियां चल रही थी तो तुम लोग क्या कर रहे थे? गोली हमने नहीं चली सर, हमने नहीं चलाई। चला ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास तो नकली पिस्तौल थी। लोगों को डराने के लिए सर। हमने तो सोचा था कि घड़ी के टिक टिक को लोग टाइम बम समझेंगे, भाग दौड़ मच जाएगी और उसमें हम लोगों को मौका मिल जाएगा दुकान लूटने का। जी नहीं, दुकान लूटने की नहीं, ये कुछ छोटे मोटे जुर्म करने की, जो 5-6 महीने की सजा होती है ना वही। इस जुर्म के लिए 10 साल की सजा है। रज्जत साहब ने बुलाया है। तुम लोग यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। पांडुरंग, जरा ध्यान रखिए। यस सर। यार ने क्यों बुलाया ने? मामा, हाँ उस्ताद जी आ गए। अरे आए नहीं होंगे, गिरफ्तार करके लाए गए होंगे। इन्हें क्यों गिरफ्तार किया? अरे चोर उचक्कों को ट्रेनिंग देने के जुर्म में। अरे लेकिन पुलिस को कैसे पता चला कि हमारे उस्ताद हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? चल चल के देखते हैं। मैं इनकी गवाही लेने के लिए उन्हें यहाँ बुलाया तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर बैठे। नकली पिस्तौल लेकर ज्वेलरी शॉप लूटने गए थे। नहीं नहीं, मस्ती कर रहे होंगे। अरे खुद कबूल किया उन्होंने। अपने यार की बात मान, छोड़ दे इन्हें। छोड़ दे? देख शक्ल और सूरत से एकदम मासूम नजर आते। एक मिनट, तेरे तो कुछ नहीं लगते ना वो लोग। लगते नहीं तो? लगती है। क्या? तेरी होने वाली भाभी। यानी कि तू और वो शादी और उससे इंस्पेक्टर रजत बेदी शादी चोर से? ठीक है, छोड़ना तो पड़ेगा, दोस्त जो ठहरा। वरना मैं नहीं चाहता कि इंस्पेक्टर रजत बेदी अपनी बारातियों को लेकर शादी करने के लिए किसी जेल में जाए। मुझे भी आना पड़ेगा। वेल डन, कुछ भी हो सकता है जमाने में। जिंदगी में ऐसा होता है, बहुत लोग धोखा दे जाते हैं उसमें, लेकिन हम क्या कर सकते। चले जाओ, मेहरबानी करके चले जाओ, बहुत मजाक बना लिया हमारा। मामा मैंने तो वो इतने बड़े झूठ का मतलब क्या था रजत? एक पुलिस ऑफिसर होते हुए तुम हमें चोरी चकारी की ट्रेनिंग देते रहे, कभी जाहिर तक नहीं किया कि तुम पुलिस में हो। अगर मैं तुम पर अपनी असलियत जाहिर करता तो क्या तुम पलट कर मेरे पास वापस आती? और वैसे भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। पिल्लो तुम भी झूठ बोल रहे हो। नहीं पिल्लो, मुझे तुमसे पहले ही मुलाकात में प्यार हो गया था। आई लव यू।
तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे कैसे कैसे फूल पे तितली बैठी हो जैसे अरे ऐसे कैसे तेरा ये आंचल लगता है ऐसे कैसे कैसे पर्वत पे बादल छाया हो जैसे अरे ऐसा लगता है कुदरत ने भर दी रूप की गागर जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे ओ फूल पे तितली बैठी हो जैसे बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें क्या होगा जब तेरी बिखरेंगी ये जुल्फें बेचैन कर रही है मुझको ये तेरी पलकें क्या होगा जब तेरी बिखरेंगी ये जुल्फें होठों पे सुर्खियों का रंग छा रहा है आंखों में काजल भी इतरा रहा है ऐसा लगता है छलका कोई प्रीत का सागर जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे कैसे कैसे ओ फूल पे तितली बैठी हो जैसे मुझ कर न दे दीवाना नैनों की ये मदिरा मुझ कर न दे दीवाना नैनों की ये मदिरा घिर घिर के धीरे धीरे आए यौवन के बदरा मुझ कर न दे दीवाना नैनों की ये मदिरा घिर घिर के धीरे धीरे आए यौवन के बदरा तुम जो अगर न होती दीवानगी न होती करती हो तुम जो बातें गिरते हैं मोती तुम जैसा ना होगा कोई लाखों होंगे मेरे जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे ऐसे कैसे फूल पे तितली बैठी हो जैसे कैसे तेरा ये आंचल मुझे लगता है ऐसे कैसे कैसे पर्वत पे बादल छाया हो जैसे अरे ऐसा लगता है कुदरत ने भर दी रूप की गागर जैसे तेरी ये बिंदिया मुझे लगती है ऐसे ला 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 ला। फूल पे तितली बैठी हो जैसे ला 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 ला। Good morning, sir. 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 Good morning, sir.
सर आपके लिए फोन है। हेलो सर, मिनिस्टर साहब होश में आ गए। मैं अभी आता हूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कब होश आया मिनिस्टर साहब को? आपको फोन किया उसे 2 मिनट पहले। सर मैं कमिश्नर। सर आपने मुझे पहचाना सर? सर मैं कमिश्नर मलिक। आपने मुझे पहचाना सर? लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आपका बयान हमारे लिए बहुत जरूरी है सर। सर प्लीज याद कीजिए सर, उस आदमी का नाम बताइए मुझे जिसने आप पर गोली चलाई सर। प्लीज सर बताइए कौन था वो आदमी जिसने आप पर गोली चलाई सर? क्या हमला होते वक्त आपने कातिल को देखा है सर? मुंडी हिला, इसका मतलब उन्हें कातिल को देखा। क्या आप पहचानते हैं उसे? सर प्लीज उस आदमी का नाम बताइए जिसने आप पर गोली चलाई सर। सर प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए सर, कौन था वो आदमी बताइए सर। इन्होंने मेरी तरफ उंगली क्यों उठाई सर? अरे हरामजादे, तू ही गोली चला है बोल के उंगली बता रहे हो? अरे क्या मिशन बोल रहे साहब, इन्हें पुलिस वाले की खाल बिल के 2001 के लफड़े नहीं किया, अब तक ये साबित नहीं हुआ है। और क्या साबित होना, उंगली बताया ना मिनिस्टर, उंगली बताया, चूली के काजल के सबका कत्ल नहीं किया, मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा। मुझे कार्यवाही करने दो आमिर चंद, हाउस अरेस्ट कर लो इंस्पेक्टर बेदी को। लेकिन सर जब तक मिनिस्टर साहब दोबारा होश में नहीं आते, इंस्पेक्टर बेदी पुलिस की निगरानी में रहेगा, एंड दैट्स एन ऑर्डर। कमान, मुझे ये नहीं समझ में आया कि मिनिस्टर ने मेरी तरफ देखकर क्यों उंगली उठाई। तो फिकर मत कर, मिनिस्टर की हालत सुधर रही है, आज नहीं तो कल होश में आ जाएगा, फिर सारा रास खुल जाएगा। अनिल, कभी कभी तो मुझे यह शक होने लगता है कि कहीं ये सब कमिश्नर और अमीर चंद की मिलीजुली साजिश तो नहीं। घास काट रहे थे तुम लोग, मेरी नाक कटवा दी तुम लोगों ने, अब क्या जवाब दूंगा किसने कत्ल किया? गेट लास्ट एवरीबॉडी, गेट लास्ट। किसने कत्ल किया अब पूछ के क्या फायदा कमिश्नर, कौन किया गया कत्ल? अरे इन्हें किया, सब इन्हें किया, मिनिस्टर के बयान के बाद भी खुला घुमरा ना इन्हें। यह कत्ल हो ही नहीं सकता क्योंकि कत्ल के वक्त ही पुलिस की निगरानी में था। पुलिस की निगरानी? अरे यहाँ पे भी तो पुलिस की निगरानी थी, फिर भी कातिल टहलते टहलते आया, कत्ल किया टहलते चल दिया, वैसी इन्हें भी घर से टहलते आया, खून क्या टहलते चल दिया। अमीर चंद, ये कत्ल मैंने नहीं किया है। हाँ तो मिनिस्टर साहब उंगली कहीं को बता रहे थे तेरे को, अंगूठी पहनाने को। देखो अमीर चंद, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, मेरी बात सुनो। उंगली इस वास्ते दिखा रहे थे तेरे को, कानून की नजरों में ये बेकसूर साबित हो चला है, इसे बयान नहीं माना जा सकता। उस दिन मिनिस्टर ने मेरी तरफ नहीं अनिल की तरफ इशारा किया था।
लगता कत्ल के दौरान कातिल का बटन मिनिस्टर साहब के हाथ में आ गया था और ये किसी कोर्ट का बटन है। एक्सक्यूज मी सर। ए, क्या मतलब है तुम्हारा? सर ऐसे ही बटन आपकी कोर्ट का भी टूटा हुआ है। इंस्पेक्टर ज्यादा होशियार मत बन, बटन है टूट सकता है, ऐसे हजारों बटन होते हैं सर, लेकिन आपका भी एक ही बटन टूटा हुआ है जो इसी की तरह है। मैं इसे इत्तेफाक समझ कर टाल तो नहीं सकता सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुराग है सर। अपनी औकात में रहे इंस्पेक्टर, तुम मुझे कातिल साबित करना चाहते हो? मैं नहीं साबित करना चाहता सर, ये सबूत साबित करना चाहता। ए, सुन, कर ले जो बन पड़ता है कर ले। ये बटन दिखाकर तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस को कातिल साबित करना चाहते हो? लगा ले जोर, फिर मेरा जोर भी देख लेना। अरे रजत, तुम अभी तक ऐसे बैठे हो, तैयार नहीं हुए? भूल गए? अरे चिंटू और नीलम का फोन आया था, आज अनिल भैया और रोशनी भाभी की शादी की सालगिरह है ना, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। आधी रात को बैठकर क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही टाइम पास कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं आ रही? वजह तो है, लेकिन सोच रही हूँ कहूँ ना कहूँ। तुम कब से सोचने लगी, क्या बात है? हाँ? हाँ? आज मैंने एक बहुत अजीब बात देखी, रजत ने तुम्हारी रिवॉल्वर उठाकर उसकी जगह अपनी रिवॉल्वर रख दी। पता है तो तुमने उसे पूछा क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया उसने? कल पूछ लूंगा, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान होने की क्या बात है अनिल। मगर चलो चल कर सोते। सर, कातिल ने इसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, ये रिवॉल्वर कातिल का ही है।
अरे भाभी आप आइए ना। नहीं बिल्लो, मैं जरा जल्दी में हूँ, कहीं जाना है। चिंटू और नीलम की जिम्मेदारी तुम पर छोड़कर जा सकती हो ना भाभी? ये भी कोई पूछने की बात है? थैंक यू बिल्लो। लेकिन आप जा कर रही हैं? कुछ जरूरी काम है। और हाँ, ये शाम को जब रजत आएगा ना तो उसे खत पढ़ने को कहना, बहुत जरूरी है। हेलो, मैं मिश्रा जी से बात कर सकती हूँ? जी मैं अभी बुलाती हूँ। वर्मा, मिश्रा जी के लिए फोन है। मिश्रा साहब आपके लिए फोन है। हेलो, मिनिस्टर का खून तुम्हारी रिवॉल्वर से हुआ है। मेरी रिवॉल्वर से हुआ है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही रजत। मैं बेवजह आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह मिश्रा की ऑफिशियल रिपोर्ट है। माना कि मिश्रा की रिपोर्ट यह कहती है तो क्या, तो उससे क्या साबित होता है? बस यही ना कि खून मेरे रिवॉल्वर से हुआ है। वैसे मिनिस्टर ने जब तुम्हारी तरफ उंगली उठाई थी तो मैं भी तुम्हें खून मान सकता था। मिनिस्टर ने मेरी तरफ नहीं, तुम्हारी तरफ उंगली उठाई थी। और कमिश्नर ने हाउस अरेस्ट में कर लिया। वाह रजत वाह, मुझे तो सचमुच लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे साथ खेल मत खेलो अनिल, तुम्हारी असलियत मुझे पता चल चुकी है। तो जाओ जाकर अपनी जानकारी के ढोल पीटो, नगाड़े बजाओ। अनिल इज्जत से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मिश्रा की रिपोर्ट की बिना पर मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। हाथ मत लगा मुझे। अनिल रुक जा, मैं कह रहा हूँ। देख रजियात, मैं कहता हूँ हाथ मत लगा मुझे। अनिल बहुत हो गया, बहुत हो गया, बोलता हूँ। रजत, भाभी को बचा लो। रजत, क्या हुआ भाभी को? बच्चों को मेरे हवाले करके ये चिट्ठी वो तुम्हारे नाम छोड़ गई है। कहाँ गए वो? बिल्लू रोशनी कहाँ गई? अनिल भैया वो अमीर चंद के घर उसका कत्ल करने है। क्या? रजत, 2001 के सारे कत्ल मैंने ही किए हैं। काय को आए यहाँ पे? अपने पति की गलतियों की माफी मांगने को आए या अपनी पति की गलतियों का हर्जाना बन को आए तुम? हा? मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा बनकर आई हूँ अमीर चंद। क्या बोली? मेरे गुनाहों की सजा? हाँ। ये तुम्हारी मौत का सामान है। अगर मैंने इस बटन से उंगली उठा दी तो तुम्हारा ये महल मिट्टी और तुम धूल हो जाओगे। पागल हो गई ये औरत, गोली मारो इसको। अगर गोली चली तो तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद तुम्हारे सारे आदमी मारे जाएंगे। अरे तुम सब देख क्या रहे हो? हाँ, क्या इस वैश्य के लिए अपनी कुर्बानी दोगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अरे जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अपनी बीवी बच्चों के पास। मैं तुम सबको एक सेकंड का मौका देती हूँ, जाओ। ए, ए, रुक रे, ए, ए, नमक हराम हो, ए, हराम के पुट्टे कहाँ चले जा रहे तुम लोग? अरे पागल हो गई औरत, अरे मेरे साथ तू भी तो मरेगी। मरूंगी, हाँ मरूंगी, लेकिन अपना फर्ज पूरा करके। नको नको, उंगली नको हटाओ। अरे नको भाई, अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या, तो भी होना क्या होना तुमको? अपनी बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए तुमने कितने कब्रिस्तान बनाया अमीरचंद, कितनों को दफनाया? उसमें मेरे अपने दफने अमीरचंद, मेरे अपने, मेरे अपने। मैं तुम्हारे इस महल को उड़ाकर इसे तुम्हारा कब्रिस्तान बनाऊंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ, माफ कर देना मेरे को। ये उंगली, उंगली मत उठाना। मेरे सामने हाथ मत जोड़ अमीरचंद। अब तो हाथ तुझे ऊपर वाले के सामने जोड़ना है, क्योंकि तू उसी की अदालत में जाकर खड़ा होने वाला है। नको, नको, अरे रुक जा, रुक नहीं। अनिल, अनिल यहाँ से चले जाओ अनिल, वरना ये काम अधूरा रह जाएगा। नहीं रोशनी, अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब मारे जाएंगे। डोंट डू इट, प्लीज चले जाओ अनिल। मिसेस अनिल शर्मा, हटाओ उंगली, हटाओ उंगली, अरे हटाओ, फोड़ो। अरे अमीर चंद से होशियारी। भाभी, भाभी मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जो खत आपने लिखा था क्या वो सब सच है? उस खत का एक एक लफ्ज सही है रजत। क्या? वो सारे कत्ल मैंने किए हैं। Thank you.
रोशनी, तुम्हारे प्यार की कोई हद है या नहीं? इतना प्यार कि मेरे सारे गुनाह तुमने अपने सर ले लिए। वो दर्द जो तुमने छुपा कर रखा था उसमें शामिल होने की कोशिश की है। मैंने FIR 2001 पढ़ ली है और वो खत भी पढ़ लिया जो तुमने रजत को लिखा था। बचपन से लेकर आज तक मैं अपने माँ बाप और छोटे भाई की लाश को अपने कंधे पर लिए फिर रहा हूं। अमीर चंद की मौत के साथ ही उनका दाह संस्कार पूरा होगा। और फिर तुम्हारी बेगुनाही भी तुम तभी साबित होगी जब मैं अमीर चंद को अपने हाथों से मार डालूंगा। अरे प्लीज, मुझे अमीर चंद की मौत बनकर जाना ही होगा और शायद इस बार मैं वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगा। नहीं अनिल, मेरी जिंदगी में अगर कुछ जिंदगी सा था तो सिर्फ तुम मेरी जिंदगी में आने का। शुक्रिया। अनिल रुक जाओ, अनिल, अनिल रुक जाओ। रजत, रजत, रजत रोक लो अनिल को, ये अमित सब को जान से मारने जा रहा है। रजत रोक लो अनिल को, प्लीज रोक लो। तुम अमीर चंद, अपने 20 साल पुराने पाप को याद कर, डॉक्टर विशाल शर्मा, सद्दाम बस्ती, उस पर तेरे बुलडोजर का तांडव, FIR नंबर 2001। FIR नंबर 2001, यानी कि तुम? हाँ मैं ही। तुम्हें कई बार याद दिलाने की कोशिश की, जूली के लाश के पीठ पर लिखकर, काजल के माथे और सरकारी के पास कांच पर लिखकर, राव के सीने और मिनिस्टर की गोली पर लिखकर, याद आया? तुम सबके सब शामिल थे ना उस विनाश लीला में। इंस्पेक्टर, 20 साल पुरानी बात याद रखे क्या फायदा है? उसको भुलाने के लिए जो कीमत बोले देता ना, जो कीमत बोले देता मैं। मुझे सुदाम बस्ती का अपना वो घर वापस चाहिए। बोलो, दे सकते हो? उसके बदले में शहर का सबसे बड़ा बंगला ले लेना। मुझे मेरा 3 साल का मासूम भाई, मेरी माँ और उसकी ममता चाहिए। मुझे मेरा बाप डॉक्टर विशाल शर्मा लौटा दो अमीर जान, उस आबाद घर का मेरा बचपन लौटा दो। इंस्पेक्टर, मेरे को बचा लो, इसके सर पे खून समा रहे। इस आदमी का कत्ल मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा अनिल। आदमी और जानवर में फर्क करना सीख रजत। अनिल लड़ाई, क्यों झूठा मातम मना रहे हो? ये आंसुओं का ढोंग क्यों कर रहे हो? साबित तो कर चुके कि तुम क्या हो और अनिल भैया क्या थे तुम्हारे लिए। दोस्त बनते थे तुम उनके और उनकी मौत बन गए। अरे लानत थे तुम्हारे उस फर्ज पर जिसने एक आबाद घर को उजाड़ दिया। जिस घर से तुम्हें इतना प्यार, इतने रिश्ते मिले, तुमने उसी घर को कैसे कर पाए तुम? कैसे हो पाया तुमसे रजत?
दिल हमारी खुशियों की दुआएं मांगा करता था, तुमने उसी दिल में गोली घाट दी। नहीं बिल्लो, मैं तो उन्हें गुनाह करने से रोक रहा था, निशाना उनके पैर का लगाया था, गोली भी उनके पैर पर चलाई थी, मगर अचानक वो झुक गए और। नहीं नहीं रजत, नहीं, अब तुम्हारी हर सफाई बेकार है। अनिल भैया तो मर गए ना, मार दिया ना तुमने उन्हें, इस पाप के लिए हर सजा छोटी है, हर सजा छोटी है रजत। पापा 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 उठो ना पापा, आंटी पापा हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? तेरे कई सवालों के जवाब है, जैसे 2001 की पहेली क्या है, एडवोकेट सरकारी, एडवोकेट काजल राव और मिनिस्टर का कातिल कौन है। इन सवालों के जवाब पर आने से पहले मैं तुझसे उस हादसे के बारे में बताना चाहता हूँ जो परसों पहले मेरे साथ हुआ। कई साल पहले एक ऐसी दिवाली आई थी जिसने मेरी जिंदगी को जलाकर खाक कर दिया। डॉक्टर साहब, अमीर चंद का सलाम। तुम्हारी बीमारी का ऑपरेशन तो जज साहब ने कर दिया था अमीर चंद, फिर यहाँ किस चीज का ऑपरेशन करवाने आए हो? डॉक्टर, कोर्ट का केस खत्म और कानूनी बातें भी खत्म। तो क्या तुम लोग अपनी पुरानी खुजली मिटाने के लिए बस्ती का खंभा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हो? जैसे हमें खुजली है ना इस बस्ती पर बिल्डिंग बनाने की, वैसे तुझे भी खुजली है दुश्मनी मोल लेने की। आज हम तुम्हारा वो हाल करेंगे डॉक्टर कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। ये धमकी बासी हो चुकी है मैडम, 2.5 साल बासी, क्योंकि 2.5 साल पहले जब मैंने तुम लोगों के खिलाफ FIR नंबर 2001 लिखवाई थी तब भी तुम लोगों ने मुझे धमकी दी थी, याद आया? FIR नंबर 2001, जिसने ये साबित किया कि इंसानियत हैवानियत से ज्यादा ताकतवर है। FIR नंबर 2001 ने यह भी साबित किया सत्यमेव जयते। ऊपर जाओ, गॉड को तुम्हारा जैसा अच्छा आदमी का बहुत जरूर है। जल्दी जल्दी। होने वाली तबाही से बेखबर जब उस रात मैं घर लौटा और जैसे घर का दरवाजा खोला, देखा कि मेरा घर कब्रिस्तान बन चुका है। एक जोरदार धमाके के साथ मेरा वो घर, मेरे बाबूजी, माँ और छोटी बहन राख हो गए। तेरे लिए है मरना मैंने, तेरे लिए है जीना। Thank you.
20 साल पहले जैसे तूने सुदामा बस्ती को कब्रिस्तान बना दिया था, आज वैसे ही मैं तेरे घर को तेरा कब्रिस्तान बना दूंगा। भाग सकता है तो भाग अमीरचंद।